पहली बार एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। खबर है कि भारत, रूस और चीन पहली बार एक ऐसे काम के लिए हाथ मिला सकते हैं जो धरती से लेकर आसमान को हिला देगा। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो शुरू होकर पूरा हो गया तो धरती से लेकर अंतरिक्ष की तस्वीर बदल जाएगी। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास ने कहा है कि भारत और चीन रूस के साथ मिलकर चांद पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस खबर को सुनकर कई देशों को दिल का दौरा पड़ गया है। चांद पर रूस, भारत और चीन के न्यूक्लियर पावर प्लांट की खबर सुन अमेरिका को तो नींद ही नहीं आ रही। अब कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसके बारे में छपना शुरू हो गया है। तास के मुताबिक रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसेटॉम के प्रमुख एलेक्सी लिखाचेव ने इस बारे में जानकारी दी है। रोसेटॉम वही कंपनी है जो हाल ही में भारतीय अधिकारियों से मिली थी। रोसेटॉम ने भारत को तैरने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट देने का ऑफर दिया था। तैरने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर भारत को मिल जाते हैं तो इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। बहरहाल अब दोबारा चांद पर बनने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ आते हैं। रूस 2036 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश में लगा हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि धरती पर दिल मिले या ना मिले, मगर भारत और चीन चांद पर हाथ मिला सकते हैं। रूस ने नाम लेकर कहा है कि वो इस प्रोजेक्ट को भारत और चीन की मदद से ही पूरा करना चाहता है। आपको बता दें कि जब से भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने चांद पर चंद्रयान की लैंडिंग करवा दी, उसी समय से रूस, यूरोप और अमेरिका की स्पेस एजेंसियां भारत की दीवानी हो गई हैं। विदेशी स्पेस एजेंसियां हर प्रोजेक्ट में इसरो को साथ लेकर चलना चाहती हैं। इसी कड़ी में अब रूस भारत के साथ मिलकर चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना चाहता है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा भारत को ही मिल सकता है, क्योंकि भारत जल्द से जल्द चांद पर इंसानों को भेजकर वहां अपना एक अड्डा बनाना चाहता है। ऐसे में अगर रूस का न्यूक्लियर पावर प्लांट चांद पर बन जाता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा भारत को ही मिलेगा। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि रूस चांद पर जो पावर प्लांट बनाना चाहता है वहां से आधा मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। भारत इस बिजली का इस्तेमाल चांद पर अपना बेस बनाने के लिए कर सकता है। बहरहाल इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए अगर रूस, भारत और चीन एक साथ हो जाते हैं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन जाएगा। भारत, रूस और चीन महाशक्तियां हैं। ये महाशक्तियां अगर एक हो गई तो अंतरिक्ष की तस्वीर बदल सकती है।